कैदियों के लिए प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कदम की सराहना करते हुए सहकारिता एवं आवास मंत्री सतपाल सांगवा ने शुक्रवार को जिला कारागार परिसर में प्रिजन इमेंट्स कॉलिंग सिस्टम का उद्घाटन किया। इस सिस्टम की अधिक जानकारी देते हुए जेल अधीक्षक ने बताया कि ये एक मशीन की तरह काम करेगा, जिसमें प्रत्येक बंदी का खाता बनाया जाएगा और उसके खाते से एक निश्चित दर से प्रति कॉल की राशि वसूल की जाएगी। इस सिस्टम से बंदियों को अपने परिजनों से बातचीत करने में सहूलियत मिल पाएगी। जहां एक तरफ इस सिस्टम के प्रति बंदियों ने खुशी जताई, वहीं दूसरी तरफ सहकारिता मंत्री ने भी इस कदम को सराहनीय बताया। इमरजेंसी में अपने बच्चों से, अपने रिश्तेदार से बात अब अंदर बैठे बैठे तो कर नहीं सकते। अब मेरे भाई ने अपनी वाइफ से बात करी, बच्चों के हालत पूछ ली, तो यहाँ मिलने वाले भी इसीलिए आते थे कि हाल चाल पूछ रहे हैं। पर यह स्टडी फैसिलिटी जो अब यहाँ चालू की है, इससे मेरे कैदी भाइयों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब बाय द वे कभी कोई इमरजेंसी में पता लगे घर में ये हो गया, तो बात करके अपनी संतुष्टि के लिए ये जो है ना बात भी कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी तो सरकार ने बहुत बढ़िया फैसिलिटी दी है। वो अपने लैंडलाइन फ़ोन नंबर या पोस्ट पेड फ़ोन नंबर जिसके होंगे वो पहले जेल अथॉरिटी को देंगे, उसकी कंफर्मेशन कराएंगे कि ये फ़ोन नंबर है। उसके तहत वो अपने पैसे उसके हमारे सिस्टम में पैसे जमा कराएंगे, उसके पैसे जमा हो जाएंगे और एक हफ्ते के अंदर वो 10 मिनट बात कर पाएंगे अपने घर वालों से, चाहे एक टाइम में कर लो चाहे 10 बार में कर लो। तो हफ्ते में फिर उसे पैसों की डिडक्शन का उसको उसका बिल उसके सामने कितने पैसे कटे नहीं कटे हो चाहे। ये करते हैं 15 अगस्त के दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी प्रकाश सिंह बादल की तरह कम से कम 1 साल की माफ़ी दे ताकि बंदी रिलैक्स हों और अपने घर चले जाएं। और एसटीडी लगने से ये फ़ायदा है कि मुलाकात का जो वेस्ट होता, खर्च होता वो नहीं होता, घर के समाचार एसटीडी से मिल सकेंगे, जिससे कि लोग छुपे हुए मोबाइल फ़ोन भी नहीं रखेंगे। एसटीडी की सुविधा मिलने से फैसिलिटीज हफ्ते में 10 मिनट मिलती है, तो हर हफ्ते कम से कम घर बात कर सकें।